नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और कुछ अहम खबरों का। हाथरस के गांव नगला जायस में मुफ्त की जामुन खाने के लालच में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के भय से शव को परिजन लेकर अपने गांव चले गए। आपको बता दें कि यह घटना हाथरस के गांव नगला जायस की। बताया गया कि यहां के निवासी सत्यपाल सुबह लगभग 10 बजे गांव के बाहर लगे जामुन के पेड़ पर मुफ्त में जामुन खाने के लालच पे पेड़ पर चढ़ गया। वह जामुन की तलाश में काफी ऊंचे तक चढ़ गया। बताया गया कि पतली डाल पर जैसे ही वह पहुंचा, उसी दौरान डाल टूट गई और वह पेड़ से टकराता हुआ जमीन पर नीचे आ गया, जिसको देखकर पास में खड़े लोगों ने शोर मचा दिया, जिसको सुनकर परिजनों के साथ साथ दर्जनों लोग एकत्रित हो गए। अचेत अवस्था में परिजन पहले उसको गांव के डॉक्टर के पास ले गए, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद हाथरस जिला बागला अस्पताल में उसको लेकर आए। यहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजनों ने रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने पीएम कराने की बात कही तो परिजन शव को लेकर अपने गांव चले गए। कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ, जल्दबाजी में शव को टेम्पो में डाला और रफू चक्कर हो गए। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट।